ये बने गुण है उनमें, वे चले गए गुजर गए, लेकिन उनका लिखा हुआ संविधान जिंदा है, और जब संविधान जिंदा है तो वो आज भी जिंदा है, इसलिए हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। आप देखिए संविधान में उन्होंने कैसे लिखा, पिछड़ी जाति ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण दिया गया। उन्होंने सोचा कि हम तो देश भ्रमण किए हैं, विश्व भ्रमण किए हैं, लेकिन संविधान में अगर पिछड़ों को गरीबों को अगर जगह नहीं दी गई तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने आरक्षण दिलवाया, आरक्षण संविधान में आरक्षण का भी वर्णन किया गया कि जो लोग नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में हम आरक्षण देंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए मौलिक अधिकार दिया, कुछ कुछ ऐसा अधिकार है जो हमारा अपना अधिकार है, वो कहीं हम अगर देश में भारत देश में हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं तो वो अधिकार हमको अपने आप मिल जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार सबको है, कोई रोक नहीं सकता, नीचे हो ऊंचा हो बड़ा हो कोई नहीं रोक सकता। खाने का अधिकार, जमीन लेकर घर बनाने का अधिकार कहीं भी हम बना सकते हैं, ये हमारा अधिकार है पूरा देश में, पूरा देश में। हालांकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन आज भी वो लागू हो गया। तो ये सब जो संविधान की रचनाएं बाबा साहब ने किया, इसलिए आज भी और जुग जुग तक जिंदा रहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा किया जाए, वो कम है। आज हम कहते हैं 100-200 डिग्री ले लेते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई हमने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएड कर लिया, लेकिन उन्होंने 32 डिग्रियां लिया था, 42 डिग्री, ये थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। हमारा कानून भी थे, कानून में संविधान में क्या उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा कि अगर कोई गलत काम करता है तो जो सजा एक रिक्शा चलाने वाले के मिलेगी गलत काम के लिए, एक टेम्पू चलाने के लिए मिलेगा, एक लेबर क्लास के लोगों को मिलेगा, वही गलती अगर हमारा कोई मिनिस्टर करता है उसको भी यही सजा मिलेगी। ये हमारा भीमराव साहब का लिखा हुआ संविधान है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए हम कहेंगे दोस्तों कि आप आज के युग में हम कहीं भी हैं, किसी भी जाति से हैं,